और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है सोनिया गांधी। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापना सौंपने वाली है। कल ही पार्टी को मार्च करना था लेकिन ये आज के लिए टल गया था क्योंकि कल राष्ट्रपति नहीं थे, इसीलिए कल जो मार्च करना था वो टल गया था। आज सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है और जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसके खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगी राष्ट्रपति को। आपको बता दें कल CWC की बैठक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम मनमोहन सिंह, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे। निंदा प्रस्ताव उसमें पास किया गया। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा था कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, यहां तक कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने तक की बात कही थी सोनिया गांधी ने, जिसके बाद सियासत भी खूब हुई। कल ही राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करना था सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को, लेकिन कल ये मार्च टल गया था। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और यहां पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसके मद्देनजर। साथ ही कल की बैठक में भी सोनिया गांधी ने ये बात कही थी कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली हिंसा के लिए सोनिया गांधी ने जिम्मेदार ठहराया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।